राम राम किसान भाइयों, मैं सवाईराम गुर्जर। आज अभी जो दिसंबर का महीना चल रहा है, अब जनवरी आएगी, सर्दी की सर्द रातें बढ़ती जा रही है, शीतलहरी की संभावना है, पाला पड़ने वाला है, जिसे पाला या तुषार कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाला क्या होता है। पाला जब पड़ता है, जब आसमान बिल्कुल साफ हो और जो टेम्परेचर हो 4 डिग्री से कम चला जाए और हवा चलना बिल्कुल बंद हो जाती है, तो तब शीतलहर या पाला पड़ने की संभावना होती है। तो जब पाला पड़ जाता है तो फसलों को नुकसान होता है। इसमें जो कॉमर्शियल फसलें हैं, जैसे जीरा है, टमाटर है, आलू है, इनमें नुकसान होता है। तो सबसे पहले जो पत्ते होते हैं, पत्ते अधिकतर क्या है कि पाले पड़ने से झुलस कर झड़ जाते हैं। फूल आ रहे हैं तो फूल झड़ जाते हैं। अगर फली बढ़ने लग गई या बीज बन रहे, दाने बन रहे, तो दाने सिकुड़ जाते हैं बिल्कुल, या बन नहीं पाते हैं दाने। तो इससे क्या है कि बहुत ज्यादा किसान प्रभावित होते हैं और आर्थिक नुकसान होता है। तो अपने को क्या है कि कुछ एक सावधानियां हैं या कुछ ऐसी उपाय हैं जिनको हम बरत कर इससे पाले से, तुषार से बचा जा सकता है, इस शीतलहर की जब भी संभावना हो। तो ये कुछ उपाय बता रहा हूं मैं, जिसमें पहला है हल्की सिंचाई करके। जैसे आज अगर आपको संभावना लग रही है कि आज रात को पाला पड़ने वाला है या शीतलहर की संभावना है, तो उस रात अपने को क्या करनी है, हल्की सिंचाई कर देनी है। इससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री बढ़ जाता है और पाले की संभावना कम होती है। तो अतः हम क्या कर सकते हैं, शाम के समय हल्की सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा है, अगर महंगी फसलें या नकदी फसलें हैं या पौधशाला के छोटे पौधे हैं, उनके क्या कर सकते हैं, उत्तर पश्चिम में हम टाटियां लगा सकते हैं, क्योंकि उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं से उसका बचाव होगा और पाले से बचाव हो जाएगा। तीसरी चीजें हैं कि हम जैसे अगर संभावना लग रही है आपको, तो आप खेत की मेड़ों पे धुआं कर सकते हैं। 12 से 2 बजे के आसपास पाला पड़ता है, तो इस समय क्या करते हैं कि खेत में धुआं कर देते हैं, चारों मेन मेड़ों पे जो सूखी पत्तियां वगैरह है इनको जला के धुआं कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वहां का तापमान बढ़ जाएगा और पाले की संभावना बहुत ही कम रहेगी। अगर इनके अलावा भी एक जो उपाय है वो हम कर सकते हैं, थायो यूरिया का छिड़काव। थायो यूरिया यानी कि जो यूरिया होता है वो आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम घोल बनाकर अपनी फसलों पर छिड़काव करते हैं, तो इससे भी पाला पड़ने की जो संभावना है वो कम रहती है। ऐसी परिस्थिति में पाला से बचा जा सकता है। और अंतिम जो उपाय है, जो रासायनिक उपाय है, जो कारगर साबित होता है, बहुत ही ज्यादा प्रभावी है, वो है जो व्यावसायिक गंधक होती है उसका छिड़काव। यानी कि जो गंधक होती है उसका छिड़काव करना होता है 0.1%। बात करूं तो मैं 1 लीटर जो गंधक है उसको 1000 लीटर पानी में आप 1 हेक्टर में छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि अपनी फसल पाले से तो बचती बचती है, लेकिन पाला पड़ने से क्या होता है कि बहुत सारे जो कवक जनित रोग हो जाते हैं उनसे भी इनमें सुधार आता है। जो है जैसे इनसे पाले से ब्लाइट होता है, ब्लाइट का प्रकोप बढ़ जाता है जीरे में इनमें। तो इनसे क्या है कि अगर हम तेजाब का छिड़काव करेंगे, ये गंधक का तेजाब होता है, इसका 1 ग्राम 1 ml ले लो 1 लीटर में, फिर छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि अपने पाले से बचाव के साथ साथ अपनी फसल की सुरक्षा भी हो जाएगी, साथ ही साथ क्या है कि फसल आपकी जल्दी भी पक जाएगी। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप ये गंधक का जो तेजाब है इसका छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे के साथ जो अभी आजीवन के साथ साथ ये सारी चीजें परेशान हो रहे हैं हम, तो पाले से यही बचाव है। तो किसान भाइयों को लगे कि भाई पाला पड़ने की संभावना है, तो ये कुछ कारगर उपाय हैं, इनको अपना सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। राम राम साहब।